मोटी इलायची, लाल मिर्च, लौंग, खड़ा धनिया, दालचीनी, ये तेज पत्ता, इन सबको पहले गर्म पानी में बॉइल कर दिया। ये जीरा, ये गर्म करने से सारा मसाला हम इसमें मिक्सर में आराम से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीस जाएगा। बाकी अभी हम प्याज, लहसुन, अदरक वो अलग से काटेंगे, उसका लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे, प्याज बारीक काट लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसमें एक प्याज मिला दिया है क्योंकि लहसुन अदरक बहुत कम रहेगा तो वो ठीक से क्रश नहीं हो पाएगा, बारीक नहीं पीस पाएगा, इसलिए अभी तो इसको चलाकर, मिक्सी को चलाकर इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा जिससे कि एकदम बारीक पेस्ट बन जाए, लहसुन अदरक पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट अब हम निकाल लेंगे। बाकी जो मसाला हमने धनिया, मिर्च, दालचीनी, मोटी इलायची सब ग्राइंड, इसमें ग्राइंडर में, मिक्सर में ग्राइंड करना है इसकी, इसको निकालने के बाद, ताकि वो भी बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाए। ये जो खड़ा धनिया, तेज पत्ता, लाल मिर्च, मोटी इलायची, दालचीनी, जीरा सब हमने गर्म पानी में पहले उबाल लिया था ताकि ये बहुत नरम पड़ जाए और इसका पेस्ट अच्छी तरीके से बन जाए। अब हम इसका पेस्ट बनाने के लिए मिक्सर में डाल के चलाएंगे। ये मसाला पीस के तैयार कर लिया है हमने, अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे, छत पर जाकर अंगीठी या चूल्हे पर गोश्त पकाएंगे। ये धनिया, लाल मिर्च, दालचीनी, मोटी इलायची, इन सब चीजों का पेस्ट बनाकर इसमें बाउल में निकाल लिए हैं, अब हम इसको छत पर ले जाकर वहां पर चूल्हे या अंगीठी पर गोश्त पकाएंगे। अब ये तीन मीडियम साइज के प्याज लिए हैं मसाले, इनको भूनने के लिए। अभी हम जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वैसे आपको बताते जाएंगे। देखिए चूल्हे में हमने आग जला ली है, उसके ऊपर पतीला रखकर उसमें तेल डालकर गर्म करेंगे। ये तीन पाव, 3/4 kg गोश्त है जो सिर्फ बोटी ही बोटी है, पिछली रान का गोश्त हम बस तेल रखकर गरम करके और फिर जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे आपको बताते जाएंगे। ये देखिए हम सरसों का तेल, सरसों के तेल में गोश्त, उसका मसाला भुनेंगे, गोश्त बनाएंगे।
ये देखिए तेल कितना जबरदस्त गर्म हो चुका है, धुआं छोड़ रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे, उसके बाद में दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, बोलते जाएंगे हम। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे। ब्राउन होने तक हम प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट जो मिलाया उसको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। अभी इस ब्राउन होता जा रहा है, अभी इसमें हम पिसा हुआ मसाला जो धनिया मोटी इलायची तेज पत्ता वगैरह वो सब इसमें मिला। अब हम इसमें जो गोश्त धोकर रखा है वो डालते जाएंगे मसाले के साथ। भुन जाए इसमें जो है अभी रंग के लिए और रुचि के लिए देगी मिर्च, लाल मिर्च, जिससे कि इसका रंग बिल्कुल बेहतरीन रंग आ जाएगा। अभी हमने इसमें नमक बिल्कुल नहीं डाला है क्योंकि नमक डालने से पानी छोड़ देगा। नमक हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। देखिए तरी कैसी लाल एकदम हो गई है। अब धीमी आंच पे मीट को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये आग हम कम या ज्यादा करते रहेंगे जिससे कि ये देखिए इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रखते हैं। ये देखिए तरी में ऐसा लाल रंग आ गया। लाल मिर्च डाल देते हैं। छत पर किचन में बनाने में और छत पर बनाने में बहुत फर्क है। छत पर एकदम खुला वातावरण, चूल्हा जला कुछ जला, किचन में सिर्फ गैस जला सकते हैं।
देखिए तरी लाल एकदम पक गई, पक रही है और गोश्त भी साथ में पक रहा है। देखिए रूफ टॉप पर थोड़े से पौधे लगा रखे हैं। ये देखिए नींबू के महज बीज डालने से ये इतने शानदार पौधे हो गए हैं। देखिए ये देखिए दो पौधे, ये नींबू का, ये नींबू का सिर्फ बीज डाला और बेहतरीन नींबू पौधे।